ॐ दुर्गाय देवै नमः ॐ कात्यायनी नमः। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन अर्चन किया जाता है। नौ देवियों में कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा अवतार है। देवी का यह स्वरूप करुणामयी है। देवी पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी का शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। माँ चार भुजाधारी है और सिंह पर सवार है। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हस्त में कमल का पुष्प धारण किया है। अन्य दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। पांचवें दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी माँ का मनपसंद रंग पीला है। उस दिन माता की पूजा करते वक्त पीला रंग पहने। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलश व देवी कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान किया जाता है। देवी की पूजा के पश्चात महादेव और परमपिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। इस दिन से प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। इनकी उपासना भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। विवाह नहीं हो रहा है या फिर वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी है तो उस शक्ति से इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आशा करते हैं हमारा यह अंक आपको पसंद आया होगा। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि का, तो जानिए कैसे करें माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना, किस रंग के कपड़े पहने, कैसे करें माता को प्रसन्न। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाभ ले हमारे अगले अंक का जो समर्पित होगा माँ कालरात्रि को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज सब्सक्राइब टू स्वरित स्टूडियो।